अगर राजमा चावल खाने का मन करे और दुकानें भी हो गई हो बंद तो क्या करें। तो चलो बनाते हैं राजमा चावल। तो राजमा बनाने के लिए मैंने रात को ही 8 से 10 घंटे के लिए राजमा भिगो कर रख दिया था। तो उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, तो प्रेशर कुकर में वो राजमा डाल दिया है। राजमा आपको डालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है पानी का, कि ज़्यादा ऊपर तक ना डाले, सिर्फ आधा या 1 इंच तक ही डाले। अब आप उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और हल्दी, और 4 सीटी आप राजमा में लगवाइए और 2 सीटी आप धीमी आंच पर लगवाइए। इतने हम चलो राजमा हमारा उबलता है तो हम कर लेते हैं राइस बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर लिए 1 गिलास चावल, जिसको मैं अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी 2 से 3 बार, जब तक कि हमारा ये जो ऊपर का वाइट वाइट पानी होता है वो अच्छे से साफ होकर एकदम शीशे की तरह जो पानी हो जाता है उस तरह से हमारा दिखने लगे। तो उस तरह से हमें अपने चावल को वॉश करके रख लेना है। तो आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रखती हूँ। तो चलो बनाते हैं हम अपना राजमे का ग्रेवी। तो राजमे की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन, जिसका मैंने एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाकर रख लिया है। तो कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और इधर मेरा राजमा भी उबलने लग रहा है, तो आशा करती हूँ कि जल्दी उबल जाएगा। तो जीरा हमारा भुन गया है, तो मैंने उसमें अपना लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने उसमें भुनने के लिए डाल दिया है। लहसुन आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर की प्यूरी भी ली है। तो जैसे ही हमारा प्याज हमारा भुन जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम उसके बाद अपनी टमाटो की प्यूरी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो उसको भी मैं प्याज और लहसुन के पेस्ट के साथ में उसको भून लूँगी। अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें अपने डालूंगी टमाटर की प्यूरी। 1 से 2 मिनट तक आप उसको पकाइए ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो जाए। तब आप उसमें डालिए 2 हरी मिर्च, ये मैंने ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप करें। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा हींग। हींग तो बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना तो मैं कोई सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ, और मेरी हर डिश में आपको हींग जरूर मिलेगा। कश्मीरी लाल मिर्च का ये होता है कि एक इसमें हमें फ्लेवर मिल जाता है, कलर मिल जाता है, जिससे हमारी जो सब्ज़ी का कलर होता है थोड़ा रेड हो जाता है, तो देखने में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो धीमी आंच पर आप पकाइए 1 से 2 मिनट तक। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो तैयार हो गया है अच्छे से, और हमारी ग्रेवी तक पककर तैयार हो गई। तो साइड से आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए उसको पकने दूंगी, ताकि हमारे मसाले पक जाएं अच्छे से। देखो यहाँ पर हमारा राजमा भी उबलकर तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्मूथ हमारा हो गया है, एकदम से पूरा अच्छे से गल चुका है। अगर आपका राजमा नहीं गलता है तो आप उसमें थोड़ा सा 1 पिंच उबालते टाइम थोड़ा सा खाने का सोडा आप डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम अपने राजमे, जो हमारा राजमा उबला हुआ था, हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे अपनी ग्रेवी के अंदर, और उसको तेज आँच कर लेंगे, और कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसको पकाएंगे, जब तक कि उसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो इस कंडीशन में आप उसको बीच बीच में घुमाते रहिए, नहीं तो आपका जो राजमा है वो नीचे चिपक जाएगा और जल भी सकता है। अच्छे से आपको घूम जाए, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से घुमाकर अच्छे से आपने अपना राजमा तैयार कर लिया है। तो उबल गया है, तो अब ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया, और हरे धनिया के बिना तो कुछ बनता ही नहीं है, इसकी जो खुशबू होती ना 4 चांद लगा देती है। तो राजमा में तो धनिया डालना ही डालना चाहिए, तो मैं किसी कोई भी सब्जियों मेरी में राजमा हो या कोई भी सब्जियों में धनिया डालती ही डालती हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं अपने जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैंने डाल दिया जीरा। जीरा हमारा भुन जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 गिलास पानी, क्योंकि मैंने 1 गिलास चावल लिया था और चावल को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, तो 2 गिलास ही पानी डालूंगी। अगर आप साथ के साथ बना रहे हैं तो आप उसमें 2 गिलास 2 हाफ आप पानी उसमें डाल सकते हैं। जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो आप उसमें अपने चावल उसमें आप छोड़ दीजिए। चावल छोड़ने के बाद आप उसको अच्छे से घुमाइए, और जब उसमें उबाल अच्छे से आ जाए आपके राइस में, आप देखेंगे कि हाँ भाई हमारा जो राइस का जो पानी है उसमें उबाल आ रहा है, अच्छे से उबल रहा है, तो आप उसको उसकी जो आँच है गैस की उसको आप धीमा कर दीजिए। धीमा करने के बाद आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, और प्लेट को आपको पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा सा ओपन रखना है। अगर आप पूरा बंद कर देंगे तो आपका जो चावल का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा निकल कर, और आपके चावल कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए हमारे चावल कितने एकदम खिले खिले बने, एकदम जीरा राइस। तो चावल बनाना बहुत ही आसान होता है, ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं है कि हाँ भाई बहुत मुश्किल होता है, चावल जल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चावल और राजमा बनाते बनाते मुझे तो लग गई भूख, तो मैंने तो डाल लिया अपने एक कटोरे में थोड़ा सा राजमा, थोड़ा सा चावल। टेस्ट करती हूँ, आप भी बनाइए खाइए। थैंक यू सो मच।